दोस्तों कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार इस समय प्राची में धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते हैं रणवीर, क्योंकि रणवीर इस समय बहुत ज़्यादा गुस्से में और बहुत ज़्यादा क्रोधित भी नज़र आ रहे हैं। रणवीर का मानना यह है कि कहीं ना कहीं अगर मेरा घर तबाह हुआ है तो वो प्राची की वजह से हुआ है, क्योंकि आज के समय में खुशी और प्राची और रणवीर तीनों अच्छे खासे रह सकते थे, लेकिन दोस्तों वहीं पर ही रणवीर इस चीज़ का जिम्मेदार प्राची को मानता है। वो सोचता है रणवीर कि अगर प्राची चाहती तो हम बहुत अच्छी तरीक़ा से एक दूसरे के साथ में खुश रह भी सकते थे, लेकिन आखिरकार ये जो सब कुछ हुआ है ये सब कुछ वो जिम्मेदार जो मानता है वो किसी और के लिए नहीं, बल्कि वो साफ साफ बोलना यह है रणवीर का, इस सब के पीछे जो वजह है वो साफ साफ अलग ही शब्दों में बोलता हुआ वजह भी नज़र आ रही है। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि इस समय प्राची ने बोल दिया है कि मैं कोर्ट के थ्रू ले हूं, लेकिन मैं किसी भी तरीक़ा से अपनी बेटी को तो मैं वापसी ले लूँगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। दिस इज़ रियलिटी दोस्तों, क्योंकि इस समय सभी लोग बहुत ज़्यादा कसम कस के स्थिति में नज़र आ रहे हैं, और आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए वाकई में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प पॉइंट आता हुआ नज़र आ रहा है, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीक़ा से आखिर बोलती हुई नज़र आने वाली है प्राची कि रणवीर तुमने मुझे घर से निकालने के लिए जो धक्का मारा है ये धक्का तुम्हें कितना महंगा पड़ेगा वो देख लेना, क्योंकि तुमने मेरे से ये बात छुपाई थी कि आखिरकार खुशी हम दोनों की ही बेटी थी, लेकिन तुमने ये सब कुछ मेरे से क्यों छुपाया वो चीज़ मुझे आज नहीं बल्कि मुझे अब कभी भी पसंद नहीं आने वाली, और इसके लिए अगर मुझे तुमसे बदला लेना पड़े तो मैं तुमसे बदला भी लूँगी। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पूरी तरीक़ा से सब प्री प्लान्ड है, और प्री प्लान्ड भी कैसे है ये बात आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।